फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। नर युग्मकोद्भिद एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। इस पाठ में हम नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद की सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उसमें नर जनन अंग को कहा जाता है उमंग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसिया, नर जनन अंग को। और दूसरा है मादा जनन अंग। मादा जनन अंग है उसको कहा जाता है जायांग, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जाइनोसियम। जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उनमें पुष्प में नर जनन अंग और मादा जनन अंग वो पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन की जो संरचना है उसे कहते हैं पुष्प कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पुष्पीय पादपों में जो फ्लोरिंग प्लांट होते हैं उन पादपों में लैंगिक जनन के लिए कौन कौन सी संरचनाएं और कौन कौन सी घटनाएं संपन्न होती है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है, इसको तीन भागों में बांटा गया है, निषेचन पूर्व यानी निषेचन से पहले। दूसरा पॉइंट आता है निषेचन, निषेचन की क्रिया के समय। और तीसरा आता है निषेचन की क्रिया के बाद। सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का। पहला भाग है निषेचन पूर्व। निषेचन पूर्व के दो भाग है, पहला है संरचनाएं और दूसरा होता है घटनाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं संरचनाएं। संरचनाओं में पहला पॉइंट आता है पुंकेसर। पुंकेसर को हम बोलते हैं स्टेमिंग। मैंने अभी आपको बताया था आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उसमें नर जनन अंग को कहा जाता है पुमंग, एंड्रोसियम कहा जाता है। और पुमंग की प्रत्येक इकाई को कहा जाता है पुंकेसर। और जो पुंकेसर होता है उस पुंकेसर के तीन भाग पाए जाते हैं। पहला जो भाग होता है पराग कोष, दूसरा जो भाग होता है योजी, और तीसरा जो भाग होता है वो होता है पुतंतु। पराग कोष है वो सबसे ऊपर का भाग है जो दीपालित होता है। दूसरा है योजी कनेक्टिव, जोड़ने वाली संरचना है जिसमें 7 ऊतक पाए जाते हैं और जो जल हार्मोन और अन्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। और तीसरा भाग होता है पुतंतु जो लंबी संरचना पाई जाती है। ये भाग है पुंकेसर के स्टेमिन के। फिर संरचना में दूसरा पॉइंट आता है लघु बीजाणु धन। लघु बीजाणु धन पुंकेसर में लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं। और लघु बीजाणु धानी की संरचना है उसके चार भाग पाए जाते हैं जिनका इस पाठ में हम स्थिति अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्राग कण जो होता है उसमें दो कोशिका होती है, एक कोशिका होती है जनन कोशिका और दूसरी कोशिका है वो पाई जाती है कायिक कोशिका। जनन कोशिका है वो विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाती है। और जो कायिक कोशिका है वो परागनलिका या पोलन ट्यूब का निर्माण करती है। इस पाठ में इसका भी हम स्थिति अध्ययन करेंगे, प्राकण की संरचना और इसमें कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है अंडप। अंडप क्या होता है? देखो मादा जनन अंग को कहा जाता है जायांग या जाइनोसियम। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जाइनोसियम कहा जाता है। और जायांग की प्रत्येक इकाई है उसको कहा जाता है कार्पल्स अंडप या स्त्रीकेसर। अंडप है इसके तीन भाग होते हैं। अंडप के तीन भाग हैं। पहला भाग है वर्ती काग्र, सबसे ऊपर का भाग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा।
और दूसरा भाग होता है वर्ती का स्टाइल, और तीसरा जो भाग है वो पाया जाता है अंडाशय, जिसे हम कहते हैं ओवरी। ये तीन भाग हैं वो अंडक के होते हैं, तीन भाग हैं अंडक के। फिर आता है गुरु बीजाणु धानी, अंडप है में, अंडप में गुरु बीजाणु धानी पाई जाती है। गुरु बीजाणु धानी है उनके द्वारा भ्रूण कोष का निर्माण होता है। भ्रूण कोष है वो सात कोशिकीय और आठ केंद्र की संरचना है। इस अध्याय में हम भ्रूण कोष की संरचना का अध्ययन करेंगे। दूसरा आता है घटनाएं, घटनाओं में पहला पॉइंट आता है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु धानी है उसमें पराग मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया होती है, जिसे हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। दूसरा पॉइंट आता है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिकाएं हैं उनके द्वारा गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया है वो कहलाती है गुरु बीजाणु जनन। और तीसरा जो पॉइंट आता है वो है परागण। परागण, परागण क्या होता है? पराग कोष से पराग कणों का, पराग कणों का दूसरे पुष्प या दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ये दो प्रकार का होता है, सपरागण और परपरागण, जिसका हम आगे देने करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आता है निषेचन। निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है निषेचन। आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उनमें दोहरा निषेचन की क्रिया पाई जाती है, यानी निषेचन की क्रिया है वो दो बार होती है। सत्य निषेचन का मतलब होता है जब नर युग्मक प्लस अंडकोशिका एक्सएल है वो संलयित होती है, और संलयित होने के बाद में भ्रूण बनाती है, भ्रूण से बीज बनता है, तो इसे हम बोलते हैं सत्य निषेचन। सत्य निषेचन। दूसरा होता है त्रिसंलयन। त्रिसंलयन का मतलब है दूसरा जो नरयुग्मक है वो ध्रुवीय केंद्रक से संयोजित होता है, और संयोजित होकर त्रिएन यानी त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोष का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं त्रिसंलयन। और इन दोनों क्रियाओं को कहा जाता है दोहरा निषेचन। इस पार्ट में हम दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया का विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आता है निषेचन पस, यानी निषेचन के बाद में भ्रूण का निर्माण। भ्रूण का निर्माण का मतलब है नर युग्मक और जो मादा युग्मक है उसके संलयन के बाद में युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है। इसकी क्रिया का विस्तार से अध्ययन करेंगे। भ्रूणपोष मैंने बताया, दूसरा नर युग्मक है ध्रुवीय केंद्रक से जुड़ता है, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष बनाता है, और त्रिगुणित भ्रूण प्राथमिक भ्रूणपोष है वो बदल जाता है भ्रूणपोष में। भ्रूणपोष एक खाद्य उत्तक होता है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ये तीन प्रकार का पाया जाता है, जिसका इस अध्याय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे भ्रूणपोष। फिर आता है बीज का निर्माण। बीज भ्रूण है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है, और बीज के द्वारा क्या होता है नए पादप का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो आवर्त बीजी या पुष्पीय पादप है उसमें लैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा बीज का निर्माण होता है, यानी कहने का मतलब है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के लिए निम्न संरचनाएँ पाई जाती हैं, और इस दौरान निम्न घटनाएँ हैं वो संपन्न होती हैं जिनका हमने अध्ययन किया है। इस अध्याय में हम इन बिंदुओं के तहत अध्ययन करेंगे, यानी सबसे पहले पुंकेसर आएगा, लघु बीजाणु धानी, प्राकण, अंडा, गुरु बीजाणु धानी, भ्रूण कोष, फिर आएगी घटनाएं, फिर दूसरा पॉइंट निषेचन, फिर तीसरा पॉइंट आएगा निषेचन पस से घटनाएं, जिनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ का ये एक सामान्य परिचय है जो इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे। हम आज के लिए इस पार्ट में इतना ही। YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक। ओके, बाय।